पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के रामपुर दोराहे पर स्थित एम्पावर फाउंडेशन की ट्रेनिंग सेंटर में एम्पावर फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे चौथे बैच का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में महिला उद्यमी और समाज सेविका दीपाली त्यागी और मुरादाबाद के उद्यमी आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर अभिषेक अग्रवाल उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि समय आपका है और समय अभी है। साथ ही साथ अतिथि अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि महिलाएं अब व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाकर न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में सहायता प्रदान कर रही हैं, बल्कि देश को भी मजबूती प्रदान करने में बखूबी भूमिका निभा रही हैं। एम्पावर फाउंडेशन की ओर से अंबिका वाही अंकिता ने कार्यक्रम में भाग लिया। कोऑर्डिनेटर अंबिका वाही ने महिलाओं से बात करते हुए उनका महिला उद्यमी बनने के सफर के लिए उत्साहवर्धन किया तो सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। कोऑर्डिनेटर अंकिता ने सभी महिला उद्यमियों को सफल होने के लिए भी शुभकामनाएं प्रदान की। स्मार्ट साउंड माय नेम इज अंकिता, मैं एम्पावर फाउंडेशन की सदस्य हूँ, एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फाउंडेशन से जुड़ी हुई। जैसे कि आज मुरादाबाद आए हैं, क्या महसूस किया? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम से जुड़कर। यहाँ मैंने देखा कि इतनी कम उम्र की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और इतना अलग अलग क्षेत्रों में इतना आगे बढ़ रही हैं। तो मैंने काफ़ी महिलाएं ऐसी देखी जो जिनके जितने भी बिजनेस आइडियाज़ थे वो ना केवल आर्थिक रूप से एक अच्छा व्यवसाय बन सकते हैं, बल्कि अगर हम देखें पर्यावरण के रूप से तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वो नेचर का भी ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं। और कहने को मुरादाबाद में जो महिलाएँ हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं सीमित महसूस करती हैं, पर इस सेंटर में मैंने देखा है महिलाओं को काफ़ी आगे बढ़ते हुए, और मुझे आशा है कि आगे जाके यहाँ इस क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा करेंगी और एक सफल करियर की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ने का अवसर मिला। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।